हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल घर घर की पसंद में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी। तो मटन करी बनाने के लिए जो हमने सामग्री लिया है, चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो मटन, जो अच्छे से धो के थोड़ा हल्दी मिला के उसको रख दिए हैं। 1 किलो मटन है तो 1 किलो प्याज भी लिए हैं। प्याज को हमने बड़े बड़े पीस में काट लिया है। मसाले में है मिर्ची 2 बड़ी चम्मच, हल्दी 2 बड़ी चम्मच, जीरा 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच, जो दोनों मिक्स है पहले से। खड़े मसाले में है तेजपत्ता 4, सूखी लाल मिर्च 5, जीरा 1 बड़ी चम्मच, छोटी इलायची 4, लौंग 4, थोड़ी सी दालचीनी, कुछ लहसुन की गांठ, आपको जितना पसंद है उतना दीजिए, पर मटन में लहसुन की गांठ का कुछ अलग ही स्वाद होता है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। अब मटन में प्याज डालेंगे और सारा मसाला पाउडर डाल देंगे। अब मटन में 1 कप सरसों का तेल डाल देंगे और स्वादा अनुसार नमक देकर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मटन मिक्स हो चुका है तो इसको ढक देते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। कुकर गर्म हो गया है तो इसमें 1.5 कप के अंदाज हम तेल दिए हैं और इसमें फिर अब जीरा और तेजपत्ता और सारा खड़ा मसाला डालकर इसको जीरा चटकने तक भुनेंगे। जीरा चटक चुका है तो इसमें थोड़ा सा प्याज हम जो उसमें मिक्स किए थे वो 2 प्याज के लगभग हम रख लिए थे और इसको हम तेल में कुछ देर के लिए भुनेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना है, बस थोड़ी देर के लिए। प्याज अब अच्छे से भुन चुका है तो इसमें मिक्स किया हुआ जो मटन है वो डाल देंगे। अब सभी चीज को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर पकाते रहेंगे 20 मिनट तक। बीच बीच में चलाते रहना है, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। लहसुन की गांठें अभी नहीं डाली हैं, वो लास्ट में डालेंगे और अदरक और गरम मसाला वो भी लास्ट में ही डालेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाने से पिक्चर थोड़ा धुंधला आ रहा है, उसका वाष्प जो निकलता है इसलिए धुंधला हो जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी। बीच बीच में मटन को चलाते रहना है, कहीं अंदर से लग नहीं जाए। 15 मिनट भुनने के बाद देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और मसाला भी भुन गया है। थोड़ा अभी और लगेगा लेकिन मसाला तेल छोड़ने। अब हम गैस का फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि मसाला भुनने लगा है तो अंदर में जल सकता है। प्याज भी बिल्कुल गल गया है और कलर भी आ गया है, तेल भी छोड़ने लगा है। फिर भी 5 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे और भुनना है। तब तक पानी गर्म कर लेते हैं इसमें रस देने के लिए। अब ये जैसे जैसे भुनने लगा है देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है और कितना रसीला बना है, जूसी दिख रहा है। इसे चाहे तो आप फ्राई भी खा सकते हैं ऐसे चावल या रोटी पराठा के साथ, और रस देकर की भी खा सकते हैं। मटन अच्छी तरह से भून चुका है तो इसमें अदरक कूट के रखे थे वो अदरक मिला देते हैं और सारी लहसुन की गांठें जो है वो भी इसमें डाल देंगे और फिर मिक्स कर देंगे। पानी गर्म हो चुका है और मसाला भी अच्छे से भून चुका है, देखिए एक बार दिखा देते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये अच्छी तरीके से भुना गया है, तो इसमें अब पानी डाल देते हैं। हम इसमें 2 गिलास पानी डाल रहे हैं, आप अपने पसंद से जितना थिकनेस आपको रस का चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मटन में 1/2 चम्मच गरम मसाला मिला देंगे और फिर कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और 1 सीटी लगने तक उसे पकने देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।